पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी नई पारी की शुरुआत की है, लेकिन पारी राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। दरअसल भगवंत मान दूसरी बार शादी के बंधन में बंधे हैं। उन्होंने डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी की। भगवंत मान ने शादी को बेहद शालीन ढंग से बिना किसी तामझाम के किया। सीएम हाउस में ही हुए इस कार्यक्रम में बेहद सीमित लोगों को न्योता दिया गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ शादी में शामिल हुए। इसके अलावा राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने पिता की सारी रस्में निभाई तो राघव चड्ढा ने भाई की रस्में अदा की। सीएम भगवंत मान ने अपनी दुल्हनिया के साथ शादी की सारी रस्में अदा की। नवविवाहित जोड़े समेत बाकी के मेहमान अरदास करते हुए नजर आए। 48 साल के भगवंत मान की ये दूसरी शादी है। 32 साल की गुरप्रीत मान से 16 साल छोटी हैं। मान पहली पत्नी इंद्रजीत कौर से साल 2015 में तलाक ले चुके हैं। भगवंत मान की इस शादी को बेहद सीक्रेट रखा गया था। खास रिश्तेदारों को भी सिर्फ एक दिन पहले ही पता चला। भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर MBBS डॉक्टर हैं। उन्होंने हरियाणा के मार्कंडेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान से उन्होंने पढ़ाई की थी। वह साल 2019 में भगवंत मान से पहली बार मिली थी। INS रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने की समय सीमा 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दी है। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए कोविन प्रणाली में जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि ये संशोधन टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की स्थायी तकनीकी उप समिति की सिफारिश के बाद किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले के बाद अब 18 से 59 साल के सभी लोग जिनको कोरोना का दूसरा डोज लगे 6 महीने या 26 सप्ताह पूरा हो गया है, वो कोविड 19 का बूस्टर डोज ले सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राजेश भूषण की ओर से जारी पत्र में अधिकारियों से नए निर्देश का व्यापक प्रचार प्रसार करने को भी कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार हर घर दस्तक 2.0 अभियान के तहत कोविड टीकाकरण केंद्रों के साथ घरेलू स्तर पर भी एहतियाती डोज देने के लिए तैयार है। राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक टीकाकरण का आंकड़ा 198.20 करोड़ डोज को पार कर गया है। INS रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के बाद अब 4 दिग्गजों को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। देश की महान एथलीट PT उषा के साथ ही संगीतकार इलैया राजा, सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र हेगड़े और स्क्रीन राइटर वी विजेंद्र प्रसाद को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। राज्यसभा के लिए नामित की गई PT उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1984 ओलंपिक खेलों में 4th स्थान हासिल किया था। 1986 के सियोल एशियाई खेलों में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। 1983 में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 1985 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं राज्यसभा के लिए मनोनीत इलैया राजा तमिल फिल्मों के मशहूर संगीतकार हैं। उन्होंने अब तक तमिल तेलुगु के साथ कई भाषाओं में 1400 फिल्मों के 7000 गाने संगीतबद्ध किए हैं। इलैया राजा को 5 नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुके हैं। 2010 में उन्हें पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए वीरेंद्र हेगड़े को जैन समुदाय की करीब 600 साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, कला और संस्कृति के प्रचार में भी उनका अहम योगदान रहा है। राज्यसभा में पहुंचने वाले विजेंद्र प्रसाद गारू बाहुबली RRR, बजरंगी भाईजान, राउडी राठौर, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और मार्शल जैसे फिल्मों की कहानी लिखी है। 2016 में बजरंगी भाईजान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति की तरफ से निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए नामित सदस्य किसी राज्य का नहीं देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकते।
उत्तराखंड में राजधानी देहरादून समेत कई जगह बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने हरिद्वार, देहरादून टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में आंधी के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश से चमोली जिले की कई सड़कें बंद होने से आवाजाही ठप हो गई। बारिश से 21 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि बद्रीनाथ हवाई टैया पुल और लामबगढ़ के पास मार्ग भी बंद पड़ा। यहां प्रशासन जेसीबी मशीनों से हाईवे खोलने में जुटी हुई है। बिरही निजमुला सड़क के अवरुद्ध होने से निजमुला घाटी के गांव में भी वाहनों की आवाजाही थम गई है। पोखरी, थराली, देवाल, कर्णप्रयाग, गोचर क्षेत्र में भी सड़कें बंद होने से ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। उधर ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग सिरोबगड़ में बंद है। अन्य वैकल्पिक मोटर मार्गों से यातायात संचालित हो रहा है। मसूरी शहर में भी देर रात हुई बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह मलबा आ गया है, जिसे जेसीबी मशीन लगाकर हटाया गया। हिमाचल के कुल्लू की मणिगढ़ घाट की चोज इलाके में बादल फटने से आफत आ गई। बादल फटने से कई घरों और कैंपिंग साइट्स को भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने के कारण नाले के साथ लगे हुए घरों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलने पर प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई है। बादल फटने से मणिकर्ण में टूरिस्ट कैंप भी डैमेज हो गए हैं। इसके अलावा गाँव की ओर जाने वाला पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों ने इस बारे में कुल्लू प्रशासन को भी सूचित कर हादसे की जानकारी दी। वहीं हिमाचल के कई जिलों में लगातार बारिश से जगह जगह भूस्खलन और नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। शिमला के ढली टनल के पास भी भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है, जबकि दो अन्य घायल हुए हैं। दरअसल पूरे देश में मॉनसून आ गया है। ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी है। अगले चार दिन भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके चलते पहाड़ों से लेकर तटीय इलाकों तक मुसीबतों का अंबार लग गया है। मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। दिल्ली में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान में महंगाई आसमां छू रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 248.74 रुपए प्रति लीटर हो गई है। साथ ही हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए और केरोसिन ऑयल की कीमत में 18 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल पाकिस्तान में अब 276.54 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। साथ ही केरोसिन ऑयल अब 230.26 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। आजकल पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। विद इन मंथ जो है ना, इसका रेट मोर देन विद इन 2 मंथ्स के अंदर ये 100+ इंक्रीज़ हुआ है रेट, जिस वजह से हमारी सेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है। आवाम का पेट्रोल फ्यूलिंग की तरफ से थोड़ा सा कम फ्यूलिंग करवा रहे हैं। महंगाई आपके सामने ही है, दिन ब दिन हर चीज़ बढ़ती जा रही है। हम एक दफ़ा जाते हैं कुछ लेने तो एक दफ़ा और रेट होता है, दूसरी दफ़ा और रेट होता है। हर बंदा परेशान है इस बात से, आप खुद भी परेशान होंगे। शहबाज शरीफ सरकार के कार्यकाल में चौथी बार ईंधन के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान ने रुके हुए $6 अरब के बेल आउट पैकेज के फिर से शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देश पर यह फैसला लिया है। IMF ने बेल आउट प्रोग्राम को फिर से शुरू करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर लेवी लगाने जैसी सख्त शर्तें पाकिस्तान के सामने रखी थी। पेट्रोल महंगा होगा, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो जाएगी और एक नया तूफान आ रहा है महंगाई का, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सिलसिले में भी कुछ सोचे कि गरीब आवाम की आगे परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है। तो इस पेट्रोल का जो बम गिरा है, इससे तो एक नया जो है वो तूफान आ गया है। IMF ठीक है, IMF की शरायत हैं, लेकिन कुछ गरीब आवाम का भी सोचना चाहिए। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि IMF ने बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी की शर्त पाकिस्तान के सामने रखी है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत हो रही है। वर्तमान सरकार पूर्व सरकार के सिर पर महंगाई का ठीकरा फोड़ रही है, जबकि विपक्षी दल पाकिस्तान की नई नवेली शहबाज सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान हुकूमत ने पिछले 20 दिन में पेट्रोल की कीमतों में कम से कम 106 रुपए का इजाफा किया है।
पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, चीज़ें महंगी। आवाम का कहना है कि इस हुकूमत ने उनके ऊपर मुश्किलों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.